वॉइस अच्छी है तो भले पीछे करो ना पीछे तो अब ये किधर बिठा देंगे किधर DPS Senior Secondary School Tabiji lekar aaye hain online classes from pre-nursery to class 12th. 50% discount on girls' fees. Online admission open. Visit dpsajmer.in. Na hum logon ne salli Allah Rasoolul Kareem. Assalamu alaikum. Main Diwan Sayyid Zainul Abidin Ali Khan, Sajjada Nashin Aulad e Ghareeb Nawaz Rahmatullah Alayh, aapse mukhatib hoon. Abhi parson ki baat hai. कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर संसद के अंदर जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं इमरान खान, उन्होंने ग्लोबल आतंकवादी उसामा बिन लादेन को शहीद कहा है. ये इस बात को दर्शाता है कि ये उनका स्टेट के लिए ये ग्लोबल आतंकवादी होने का एक सबूत है जिसको उनकी स्टेट भी तस्लीम करती है. जबकि पाकिस्तान अपने आप को इस्लामिक कंट्री कहता है, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उसको ये नहीं मालूम कि इस्लाम के अंदर शहीद का दर्जा किसको दिया जाता है और किसको नहीं दिया जाता. ग्लोबल आतंकवादी को ये दर्जा दे करके विश्व के अंदर स्टेट पॉलिसी को दर्शाता है. नंबर एक. नंबर दो ये कि चाइना जो वहां के आतंकवादी संगठन है जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और दूसरे संगठन जिनको वो फाइनेंस फंड देता है, फाइनेंस करता है, वो किस लिए करता है कि इस आतंकवाद के तवे को गर्म रखें और हमारे दिए गए पैसों से हथियार वगैरह खरीदें और भारत के खिलाफ उसको इस्तेमाल करें. ये चाइना की एक दूरस्थ पॉलिसी है जिसको इंडिया की पार्लियामेंट के अंदर जॉर्ज फर्नांडिस ने भी पहले उठाया था कि ये चाइना आगे चलकर के भारत के लिए बहुत घातक सिद्ध होगा, जिसका ये सबूत मौजूद है. इसके अलावा ग्लोबल आतंकवादी होने के नाते पाकिस्तान और चाइना के लिए इस वक्त पूरे वर्ल्ड के लिए ये पोजिशन है कि इन दोनों के ऊपर अंकुश लगाने के लिए ये सब यूनाइट होकर के इसको फेस करें और जो ये फंड दूसरों को दे रहा है, आतंकवादी संगठनों को दे रहा है, इसके ऊपर अंकुश लगाने की कोशिश करें और इनको वो मौका ना दें कि ये आसपास के नेबरिंग कंट्रीज के अंदर इस किस्म का आतंक पैदा करके, भय पैदा करके और अपनी सुपरमेसी जो है वो जाहिर करने की कोशिश करें. थोड़ा सेटबैक पाकिस्तान के लिए है वो ये है कि वो कहीं पे भी मुसलमानों के खिलाफ जुल्म ज्यादती होती है तो वो बोलने की कोशिश करता है, ऐसा साबित करने की कोशिश करता है अपने आप को कि साहब मुझसे ज्यादा हमदर्द तुम्हारा और कोई नहीं है, या पाकिस्तानी एक इस्लामिक कंट्री है जो तुम्हारा सबसे ज्यादा हमदर्द है. जबकि एंटायर वर्ल्ड के अंदर चाइना एक ऐसा कंट्री है कि जहां पर मुसलमानों के साथ में जो सबसे ज्यादा जुल्म ज्यादती हो रही है उसके ऊपर ना तो इनके आतंकवादी संगठन बोलते हैं, ना इनके पॉलिटिशियंस बोलते हैं, ना कोई प्रेसिडेंट बोलता है इनका, ना प्राइम मिनिस्टर बोलता है, ना फॉरेन मिनिस्टर बोलता है, ना और जो दूसरे इनके अलग विंग्स हैं वो बोल पाते हैं. ये कितना बड़ा दुख की बात है कि आज हमें पूरे विश्व को ये मौका मिला है कि हम इनके ऊपर अंकुश लगाने के लिए पूरे मुसलमानों के जितने मुस्लिम कंट्रीज जितने भी हैं उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे ला करके इनका मुकाबला करने के लिए, इनके ऊपर अंकुश लगाने के लिए कार्रवाई, ऐसी उचित कार्रवाई करें कि आगे आने वाली नस्लें भी याद रखें और ये अपना सर आतंकवाद की शक्ल के अंदर कहीं नहीं उठा सकें.